अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मतदान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए राज्य में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। 85+ आयु के मतदाताओं के लिए घर पर जाकर मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 85+ आयु के राज्य में 65,160 मतदाता हैं। 85+ आयु सभी मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से 10,390 आवेदन प्राप्त हुए। राज्य में 80,330 दिव्यांग मतदाता हैं, उनमें से 5,576 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से वोटिंग के लिए आवेदन दिया। 25 मार्च 2024 को आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। सभी दिव्यांग मतदाताओं के लिए और 85 ईयर से अधिक मतदाताओं के लिए एक इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप की व्यवस्था किया गया है। सक्षम ऐप का जानकारी मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 85 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग श्रेणी के चिन्हित मतदाता इस ऐप का प्रयोग करें। ऐप को आप डाउनलोड करके अपने फोन से, आपको अगर मतदान के दिवस पर कोई सुविधा की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अगर आपको व्हीलचेयर की आवश्यकता है, डोली की आवश्यकता है या किसी सहायक की आवश्यकता है मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए, तो आप इस ऐप पर अपना सहायता की उल्लेख करके हमको अवगत करा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, अभी तक जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता होंगे और जो वृद्ध मतदाता होंगे उनके लिए ये ऐप अवेलेबल होगा और केवल वही इस पर अनुरोध कर सकते हैं। अभी तक हमको 1524 व्हीलचेयर की रिक्वेस्ट इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, 994 रिक्वेस्ट डोली के लिए प्राप्त हुआ है और 5,910 रिक्वेस्ट हमको सहायक के लिए प्राप्त हुआ है। सभी अनुरोधों पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया को सरल करने के लिए प्रयास हमेशा करता है। इस वर्ष भी मतदान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सर्वप्रथम जो बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है वो 85 साल से ऊपर की आयु के जो मतदाता होंगे उनके लिए घर पर जाकर मतदान टीम मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएगी। ऐसे हमारे राज्य में 65,160 मतदाता जो 85 साल से अधिक आयु के हैं उन तक हमारी टीमों ने फॉर्म 12D उपलब्ध कराया। 65,160 उन तक हमने फॉर्म उपलब्ध कराया और उसके माध्यम से हमारे पास 10,390 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो 85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।